अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले, जिससे मेरे चैनल पे सारी वीडियोज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं cmarohanasarma.in, जहाँ पे आपको CMA से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर मैं CMA कर रहा हूँ, क्या CMA करना मेरे लिए सही रहेगा? क्या CMA करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी? क्या मैं पैसे अर्न कर पाऊंगा? क्या मेरे फैमिली की एक्सपेक्टेशन मैं पूरी कर पाऊंगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं वो कर पाऊंगा? लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो उन सारे डाउट्स का आंसर ये वीडियो है। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सब लोगों को आंसर कर सकते हो। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताऊं, अगर आप CMA कर रहे हो या फिर आप करने जा रहे हो, तो CMA इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इस बात को आप ध्यान रखना, सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी। मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप एशिया लेवल पे बात करो, तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और एशिया में मोर देन 40 कंट्रीज है। इस बात को भी आप याद रखना, एशिया में सिर्फ इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है एशिया के अंदर। सो एशिया में सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है CMA इंस्टीट्यूट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप पहले स्टूडेंट तो हो नहीं जो आपने CMA ज्वाइन किया या फिर आप ज्वाइन करने वाले हो। मोर देन 5,50,000 स्टूडेंट ऑलरेडी CMA कर रहे हैं, और 85,000 क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो पैकेज की कि CMA कितना पैसा अर्न कर सकता है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लाख भी अर्न कर सकते हो, आप 1 करोड़ भी अर्न कर सकते हो, आप 21 करोड़ भी अर्न कर सकते हो। यस, अगर मैं आपको बताऊं, JSW के पेंट्स आते हैं, उसकी स्टील्स आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके सीएफओ जो है वो CMA है, और उनकी पैकेज 21 करोड़ है। तो उनके पास भी वो क्वालिफिकेशन है जो आप कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो। इसके अलावा जियो के CFO, NSE, BSE के CFO, सबके CFO CMA है, जितनी मैंने नाम लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में, सो इन सब के CFO CMA, उनकी पैकेज करोड़ों में है। एक फ्रेशर CMA की अगर मैं बताऊं, अगर आप कैंपस की बात करते हो, तो कैंपस में 5 लाख से लेकर 27 लाख तक का पैकेज एक फ्रेशर CMA को मिलता है, 27 लाख पर एनम। आप मंथली जोड़ सकते हो कितना अर्न कर सकते हो, 5 लाख मिनिमम है, 5 लाख से 27 लाख तक आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप सपोज मान लो आपको कैंपस नहीं भी होता है, ऑफ कैंपस में भी 5, 8, 10 लाख का पैकेज फ्रेशर CMA ले रहे हैं आज के टाइम में। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने इंटरव्यू लिए, जिन्होंने रिसेंटली CMA क्वालिफाइड किया, और 7-8 लाख का पैकेज उनको KPMG, Deloitte, E&Y इन सब में उनको मिल रहा है। Accenture में जितने भी MNC है, CMA को काफी अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और CMA के ना वर्थ आपको MNC में जाओगे तब आपको मालूम चलेगा, वहां पे CMA को काफी अच्छा रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। PSUs में जाओ आप, जितनी गवर्नमेंट कंपनी है उसके मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज के डायरेक्टर फाइनेंस आपको CMA मिलेंगे। ONGC के डायरेक्टर फाइनेंस हो गए, ONGC विदेश के डायरेक्टर फाइनेंस हो गए, इसके अलावा BHEL के हो गए, बहुत सारी कंपनी, नेशनल टेक्सटाइल हो गए। मैं मेरे पास लिस्ट अगर मैं निकालूं तो कम से कम 20-25 PSU होंगे जिसके डायरेक्टर फाइनेंस CMA होंगे, और डायरेक्टर फाइनेंस सबसे टॉप लेवल होता है फाइनेंस में। सो आप ये मत सोचो कि आप फर्स्ट हो जो आप CMA करने जा रहे हो, आप ये सोचो कि आपने जो CMA कोर्स को ऑप्ट किया है उसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने तरीके से। सो आप इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर ध्यान दो, दुनिया क्या बोल रही है, घर वाले क्या बोल रहे हैं। मैंने जब CMA ज्वाइन किया था तो मेरे घर वाले को तो पता भी नहीं था CMA होता क्या है, मेरे घर के बगल वाले को तो और नहीं पता था, सब यही बोलते थे जब मेरे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे थे, तो बोलते एक तो कैसा कोर्स ऑप्ट किया है ये नहीं पता, उसके वैल्यू है, फ्यूचर है, नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, और उसमें भी इसके अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो लोग ऐसा बोलते थे। और जब मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए, और आज के टाइम में मैं एसेंचर में जॉब कर रहा हूँ, मुझे अप्रॉक्स 12-13 लाख का पैकेज भी यहाँ पे मिल रहा है, सो आज वही लोग है कुछ और बोलते हैं। सो दुनिया बदल जाती है जब आपके पास सक्सेस आता है ना, दुनिया बदल जाती है। फिर हर लोग जो आपके बारे में बुराई कर रहे होते हैं ना, वही आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और आपके पास आएंगे कि हमारे बच्चे की जॉब लगवा दो। सो दुनिया बदल जाती है जब आप सक्सेस करते हो। सो उन सब बातों को आप इग्नोर करो, दुनिया क्या कह रही है, फोकस करो कि आपको CMA की क्वालिफिकेशन जल्द से जल्द लेनी है, डेट्स इट।
और सीएमए जब भी आपने ज्वाइन किया, आप कभी भी मत फील करना कि सीएमए ज्वाइन करके आपने रिग्रेट, आपने गलत कर दिया, गलत कोर्स ऑप्ट कर दिया, नहीं। सीएमए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इंडिया में, और अगर आप सीएमए करते हो तो डेफिनेटली कभी आप भूखा नहीं मरोगे, आपके पास इतना पैसा जरूर होगा कि आप जो चाहो वो चीजें आप खरीद सकते हो। ओवर द टाइम थोड़ा टाइम लग सकता है आपको स्टार्टिंग के फेज में, लेकिन डेफिनेटली आप जो चाहते हो आपको सब मिलता है एक दिन। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।